हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आपका ज्ञान कुंज में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 7 का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक से डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिवाइड करना है, उसके कुछ रूल्स हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स है कि ए डिवाइडेड बाय माइनस बी इक्वल माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। मतलब चाहे तो आप ए अगर हमारा जो है ऊपर जो न्यूमरेटर रहेगा वो पॉजिटिव है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो निगेटिव है, मतलब अंश जो है पॉजिटिव है और हर जो है निगेटिव है, या फिर हमारा अंश जो है निगेटिव हो और जो हर हो वो पॉजिटिव हो, तो दोनों के आंसर इक्वल आते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं, 72 को डिवाइड कर रहे हैं, जो फर्स्ट रूल है हमारा, 72 को डिवाइड कर रहे हैं हम -8 से, मान लीजिए डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और या फिर हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 72 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम -72 को 8 से डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बी जो है पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों के आंसर जो है इक्वल आएंगे। कैसे, अब 8 9 जा क्या होता है, हम 8 को डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवाइड करेंगे, आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम सिंपल डिवाइड करेंगे, जैसे वोल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वोल नंबर्स को सिंपल डिवाइड करते हैं, जैसे आपने अभी तक सीखा है। हम 8 को डिवाइड करेंगे, 8 9 जा क्या आएगा, 72 आएगा, तो मतलब रिमाइंडर 0 आया। तो जो ये आया 9 आया, हम इसको सिंपल लिख देंगे सबसे पहले, तो ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा, ठीक है। और जो ये निगेटिव रहेगा, सिंपल तो डिवाइड करेंगे और हम सिर्फ -9 बाद में माइनस लगा देंगे। तो क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक। कि सिंपल वी डिवाइड नेगेटिव इंटीजर्स बाय अ पॉजिटिव इंटीजर्स, वी डिवाइड देम एज अ वोल नंबर्स, उनको हम सिंपल वोल नंबर्स की तरह डिवाइड करते हैं, एंड देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द कोशेंट, जो कोशेंट है उसके आगे हम जो है माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। आइए देखते हैं सेकंड रूल क्या होता है हमारा। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर एक जो हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों ही अगर हमारे जो हैं निगेटिव हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मान लीजिए माइनस का 12 है और माइनस का 6 है मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सिंपल डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, माइनस का 12 और माइनस का 6 है, ये किसके इक्वल रहेगा, ये रहेगा 12/6, क्या रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जब कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये प्लस का बचेगा, और इनको हम सिंपल डिवाइड कर देंगे और आंसर लिख देंगे 2, ठीक। तो या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है इसको हम सिंपल डिवाइड करें होल नंबर्स की तरह, जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 है, इसको हम 6 से जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं, 6 2 12 हम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसके आगे कोई माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका आंसर जो आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हेन वी डिवाइड अ निगेटिव इंटीजर बाय अ निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर को अगर निगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर्स, ठीक है, एंड पुट देम अ पॉजिटिव साइन, इसके आगे चाहे तो आप पॉजिटिव साइन लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको सेकंड रूल भी समझ में आ गया होगा। इन्हें रूल्स को करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन से भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर हम ए को डिवाइड करें 1 से तो ए ही आएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आप 2 को डिवाइड करते हो 1 से तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है। अगर 2 को डिवाइड करते हो 1 से तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 19 को डिवाइड करते हो 1 से तो क्या आएगा, 19 ही आएगा, ठीक। लेकिन अगर आप इसी नंबर्स को जैसे निगेटिव माइनस 1 से डिवाइड करते हो, मतलब निगेटिव जो से डिवाइड करोगे, अगर आप 2 को डिवाइड करते हो ए को डिवाइड करोगे माइनस 1 से, तो वो जो है इज नॉट इक्वल ए रहेगा, क्या आएगा, माइनस ए आएगा, ठीक है। ये जो आएगा माइनस ए के इक्वल आएगा। कैसे, जैसे आप मान लीजिए 2 को डिवाइड कर रहे हो माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। 2 को चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे सिंपल डिवाइड का साइन लगा के लिख सकते हो, 2 डिवाइड बाय -1, तो क्या आएगा, इसका आंसर जो है माइनस का 2 आएगा, ठीक है। जो इंटीजर रहेगा उसके आगे जो है माइनस लग जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का कि द निगेटिव इंटीजर डिवाइड बाय 1 गिव द सेम इंटीजर, ठीक है, सेम निगेटिव इंटीजर देगा। द निगेटिव इंटीजर्स डिवाइड बाय 1 गिव द सेम निगेटिव इंटीजर्स, सो एनी इंटीजर डिवाइड बाय 1 गिव द सेम इंटीजर। लेकिन बट इफ़ यू डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर बाय अ निगेटिव इंटीजर्स, मतलब -1 डज नॉट गिव द सेम इंटीजर, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर आप जीरो को डिवाइड करते हो ए से, मतलब कोई नंबर रहेगा जैसे मान लीजिए 2 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, 0 को आप 90 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को आप 1000 से डिवाइड कर लो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 से डिवाइड करने पर 0 ही आता है। बट अगर आप किसी नंबर को, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए 2 को डिवाइड करते हो 0 से, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट साइन, ये होता है नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो है क्वेश्चंस ये किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।